इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में घुसकर एक युवक ने चाकू से हमला किया। इस हमले में एक व्यक्ति जख्मी हो गया। मिली जानकारी अनुसार इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन अंतर्गत समता कॉलोनी कैलाश नगर निवासी फिरियादी संजय सोनारकर इमामवाड़ा परिसर के स्वप्निल अपार्टमेंट के एक निजी कार्यालय में कार्यरत थे। इस कार्यालय में संजय किसी का इंटरव्यू ले रहे थे। इस दौरान गिट्टी खदान निवासी आरोपी रमेश वाघ वहां पहुंचा। उसी समय कार्यालय की बिजली चली गई। रमेश ने इसी का फायदा उठाते हुए संजय पर चाकू से हमला कर दिया। रमेश की पत्नी निशा वाघ भी इसी कार्यालय में संजय के साथ ही काम करती है और वारदात के समय निशा संजय के साथ ही थी। रमेश को शक था कि संजय और निशा में कुछ चल रहा है। इसी शकी मानसिकता के चलते रमेश ने ये हमला किया। जानकारी ये भी मिली है कि आरोपी और उसकी पत्नी एक साथ नहीं रहते। साथ ही आरोपी रमेश के खिलाफ गिट्टी खदान थाने में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज है। उसने अपनी बेटी पर ही बलात्कार करने की कोशिश की थी, इसलिए खुद पत्नी ने ही गिट्टी खदान थाने में शिकायत दर्ज की थी। तो या गुन्ह्यात 307 कलम जो गुन्हा नोंद आहे त्यामध्ये तो अरेस्ट आहे। सर, आरोपीचं नाव काय आहे आणि त्याच्यावरती आधीच कुठे काय गुन्हे दाखल आहेत आणि तो काय काम? आरोपीचं नाव आहे रमेश भीमराव वाघ। तर तो गिट्टी गदांमध्ये त्याच्यावर एक त्याच्या पत्नीनेच 354 पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंद केलेला झालेला आहे आणि त्यामध्ये त्याची त्यामध्ये जी पीडित आहे ती त्याची मुलगी आहे। ते सध्या तरी निदर्शनास आलेलं नाही आहे। त्याच्यावर माहितीनुसार गिट्टी खदानमध्ये एक गुन्हा आहे। आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। त्या जे गुन्ह्यात त्याने जे चाकू वापरलेला आहे तो हस्तगत करण्यात आलेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN न्यूज नागपूर।